बहुत ही कम दिन बचा हुआ है, ज्यादा दिन नहीं है, बस एक महीना। और बहुत लोग पूछ रहे थे कहाँ होगा बाबू, कौन सा हॉस्पिटल में जाइएगा, तो मैं बता दूँ। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी सुबह के 9 बज रही है और हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी खाना बनाने के लिए आ गए हैं। तो देखिए इधर माँ कृषि गोदी में सोई हुई है, रो रही थी बहुत ज्यादा। इधर हम आलू उबाल लिए हैं समोसा के लिए, चोखा फ्राई करेंगे। और इधर हमारा आलू है जो कि उबाल के इसमें दूध अलुआ भी हम नाश्ता करेंगे। ये लोग का बिस्कुट से नाश्ता हो गया है। और ये पालक है जो कि पालक के बनाएंगे दलसग्गा और चावल। कीर्ति के देखिए क्या कर रही है, खेल रही है, होमवर्क बोले करने के लिए तो नहीं कर रही है। तो चलिए अभी हम नाश्ता वास्ता करते हैं। समोसा के लिए भी मैदा उदा सान के रेडी कर लिए हैं, ज्यादा मैदा नहीं है, थोड़ा सा ही है। तो चलते हैं समोसा के लिए पट्टी बेल ले। चलिए उसके बाद देखते हैं आगे क्या सब होता है। खाना में दलसग्गा चावल रेडी कर दिए है। इधर कृति खा रही है, कृषि खा ली है, अभी हम समोसा भी छान रहे, इधर भर भी रहे हैं, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही भरना है। तो फटाफट से हम भर लेते हैं और छान लेते हैं। टाइम ना 4 बज गया है और इधर कृषि को रेडी कर दिए हैं, कहीं जाएगी उधर घूमने जाएगी। और कृति के पापा भी दुकान ले जाने के लिए सारा चीज रेडी कर लिए। चलिए तभी हम दिखाते हैं। और देखिए हमारा चोटी कैसा लग रहा है, कमेंट में बताइएगा। आ गए हैं सब्जी वाला भी, तो चलिए अभी नीचे चलते हैं। आराम आराम से उतरना, हम भी आराम आराम से उतरते हैं फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा ठंड है, मोजा भी नहीं पहने हैं। कृति के पापा भी जाने के लिए रेडी हो गए, जा रहे हैं, बाय बाय। और इधर सब्जी वाले अंकल है, तो क्या सब है सब्जी में देख लेते हैं एक बार। सीम कैसी है, 40। सीम है 40 रुपये, तो देखते हैं एक पौवा दे दीजिएगा। सीम ले रहे हैं एक पौवा, मटर नहीं लेंगे, मटर के भी काम नहीं है, टमाटर ऑलरेडी हमारे पास है। तो इधर ले लिए हैं सब्जी सीम और मूली, इधर कृषि मूली खा रही है। तो चलिए अभी हम चलते हैं ऊपर, वाला कार्टून भी नीचे है तो ये भी ले लेते हैं। मूली खा के देखते हैं, देहाती मूली है, देहाती है, देहाती में टेस्ट बहुत ज़्यादा रहता है। कृषि भी खाते आ रही थी, मूली खा रही थी ना। इधर बाबू के मोजा और पैंट उतार लिए, कहा कि ओस पड़ने लगता है, ज्यादा शाम हो जाता है। तो मूली खा ली थी, बाबू को तीत लग रहा था, इसी वजह से लाई दे दिए, हम भी थोड़ा सा लाई खा लिए, मूली तीखा था। छत पे आ गए हैं कपड़ा लेने के लिए, कपड़ा सब सूखा हुआ है तो ले लेते हैं। कीर्ति के पापा कल जूता धो दिए थे तो आज सूख गया है, तो चलिए इसको भी ले लेते हैं। कपड़ा सबको समेट के एक साइड में रख दिए हैं। और फ्रेंड्स ये वाला जो कपड़ा ले लिए ना, हमें ठंडा में बहुत ही ज्यादा फायदा हो रहा है, ताकि जरा सा भी ठंड नहीं लग रहा है। स्वेटर पहनते थे तो लगता था कि स्वेटर के ऊपर से मारा है, अंदर में हवा घुस रहा है, ऐसे लगता था। एक तो सूट है, उसके बाद ये स्वेटर है, जरा सा भी ठंडी नहीं लगता है हमें, कि ठंडा भी पड़ता है। और फ्रेंड्स हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होता है चढ़ उतर करने में सीढ़ी पे बहुत ज़्यादा, काहे कि बाबू आने बहुत ही कम दिन बचा हुआ है फ्रेंड्स, ज़्यादा दिन नहीं है, बस एक महीना बचा हुआ है। एक महीना बाद फाइनली हमारे पास हमारा छोटा सा न्यू सा बाबू आएगा, तो पता नहीं कृषि का कैसा रिएक्ट होगा, काहे कि अभी तो ये बहुत ज़्यादा बच्ची है, पता नहीं ये बच्ची कैसे एडजस्ट कर पाएगी। हमको तो नहीं लगता है कि ये हमें छोड़ेगी। कृषि आई थी तो कीर्ति समझदार थी थोड़ा सा, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा बच्ची है अभी, लेकिन कोई बात नहीं, समय के साथ साथ सब चीज़ अच्छा से ही गुजर जाता है। और मुझे अभी ना बहुत ज़्यादा डर लगता है, जैसे जैसे समय गुजरता है वैसे वैसे मुझे दिल की धड़कन बढ़ने लगती है फ्रेंड्स, काहे कि वो जो पल होता है ना फ्रेंड्स, वो बहुत ही कठिन पल होता है, ये तो एक औरत ही जानता है। बहुत लोग पूछ रहे थे कहाँ होगा बाबू, कौन सा हॉस्पिटल में जाइएगा, तो मैं बता दूँ तो यहीं पे जहाँ हम लोग रह रहे हैं वहीं पे बाबू होगा। और हॉस्पिटल हमारा सरकारी हॉस्पिटल में ही जाते हैं, हम लोग प्राइवेट में जाते नहीं हैं, काहे कि गरीब आदमी के लिए तो सरकारी ही ठीक रहता है, उसमें थोड़ा बहुत पैसा भी मिलता है और सारा चीज़ कम सम में निकल जाता है, इसी वजह से हम लोग दो बार गए थे सरकारी में, या तीसरा बार भी जाएंगे सरकारी में ही, क्या कि हम लोग को आसान लगता है इसी वजह से। और अभी हम लोग के हाथ में कम से कम तब 5-10 हज़ार रुपया रहना भी जरूरी है, क्या कि कब क्या हो सकता है। सोमवार के हॉस्पिटल से बुलाहट आया है, जांच होता है, एक वो हो गया है, ये दोबारा वाला जांच होगा, उसके बाद अल्ट्रासाउंड भी करवाने जाना है, वो तो प्राइवेट से होता है, 700 रुपया भी लगता है। और उसके बाद हमें खाता खुलवाने जाना है, क्या कि खाता रहेगा तभी तो हमारा वो वाला पैसा आ पाएगा, 1400 रुपया आता है सरकारी से, वो वाला आएगा। तो सोमवार के दिन हमारा 3 काम है, एक ठो जांच वाला काम है, एक ठो अल्ट्रासाउंड वाला काम है, एक ठो खाता वाला काम है। तो सारा काम हम करेंगे सोमवार के, दुकान बंद रहेगा और सारा काम जाके हम कर लेंगे। तो आप लोग भगवान से दुआ कीजिए कि अच्छा अच्छा से हमें सब चीज़ हो जाए, काहे कि
बहुत ज़्यादा परेशानी होता है, ये तो आप लोग भी समझ सकते होंगे। तो गाइस चलिए आज का ब्लॉग हम इतना ही पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड चैनल अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए तो फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।